कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई लव यू. बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो बहुत सारे खुद ही एक्टर हैं वो खुद ही अपनी डबिंग कर देते हैं और फिर फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं. तो वैसा वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते. मेरे साथ साथ और चार पांच लोगों के ऑडिशन हुए थे, लेकिन यश भाई की नज़र में मेरी आवाज़ फिट हो गई थी तो बोले कि नहीं, करवाना है तो इसी से करवाना है. इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं. इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है. Hey, hi guys, फिल्म फ्यूर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. दोस्तों, मैं हूँ रवि गुप्ता और इस वक्त है मेरे साथ कोई और नहीं बल्कि एक ऐसी आवाज जिनकी वजह से KGF चैप्टर 2 ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, खास तौर पर हमारे हिंदी सर्किट पर. हिंदी जो आपने वॉइस डबिंग की है यश सर की, उसने तहलका मचा दिया है. बहुत बहुत स्वागत है सचिन सर. थैंक यू सो मच. क्या कहेंगे जिस हिसाब से इस फिल्म में अपार सफलता हासिल की है, व्हाट डू यू लाइक टू से? मैं तो यही कहूंगा कि मुझे मतलब लगा नहीं था कि इतनी सफलता हासिल होगी, क्योंकि जब पिक्चर रिलीज़ हुई और फिल्म रिलीज़ होने के बाद पहले ही दिन जब मुझे सुनने के आया कि 290 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ इसकी कमाई हो चुकी है, तो मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ कमाई इसमें फर्स्ट डे में ही हो सकती है. तो तभी मुझे लगा कि बाकी अब ये फिल्म तो जब चलेगी तब चलेगी, तो महीने दो महीने में इसका कितना रिकॉर्ड हो सकता है. और दूसरी चीज़, यश भाई को मैं पहले ही बधाई दे चुका था कि भाई आपकी फिल्म तो बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि जब डबिंग हो रही थी तो डबिंग करते समय जब मैं सीन्स डब कर रहा था तभी मुझे पता चल रहा था कि कितने ग्रेंजर शूट हुआ है और कितनी अच्छे से डबिंग हो रही है. तो मुझे तो ऐसा लगा कि भाई फिल्म तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली है, और अभी आशा करता हूँ कि जितनी सारी फिल्मों के जो रिकॉर्ड हो चुके हैं ये शायद उससे भी ऊपर चली जा सकती है या उसको छू लेगी वो. यू नो व्हाट, अभी आप बात कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मैं बस थोड़ी देर के लिए अपना आँख बंद कर दूँ ना, मुझे ऐसा लगता है यश साहब ने. अरे बाप, थैंक यू सो मच. सो बेसिकली आप इस प्रोजेक्ट से कैसे जुड़े? बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट हैं हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, और आपको कहूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं. आप भी बहुत अच्छी फिल्में आप इनसे पहले इन्होंने की है जी. लेकिन यश सर की वॉइस को मैच करना, कन्विंस करना और लोगों के बीच में आना, वो सारा वो ट्रांजिशन कैसे हुआ और कैसे आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े? बेसिकली ऐसे हुआ था कि मैं तो बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्में कर चुका था, हिंदी में डब कर चुका था, जिसके अंदर कुछ तो यश भाई की फिल्में भी शामिल थी. सबसे पहले मैंने उनकी फिल्म की थी मास्टरपीस, डबिंग की थी मैंने, जो यूट्यूब पर बाद में आई थी, और उससे पहले वो सैटेलाइट पर दिखाई गई थी, बाद में यूट्यूब पर आई. फिर उसके बाद मैंने मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी और गजपति बाबू एक फिल्म की थी. ये तीनों फिल्में ही ब्लॉकबस्टर रह चुकी हैं कर्नाटका में बेसिकली. जी बिल्कुल. और उसके बाद फिर गुगली एक फिल्म थी, वो भी ब्लॉकबस्टर रह चुकी है. तो ये चारों फिल्मों में आपने आवाज दी है, जो हम देख रहे हैं वो आपकी ही आवाज. लगभग सारी फिल्मों में, 7 से 8 फिल्में मैंने यश भाई की डब की. अब हुआ ऐसा कि जब इनकी शूटिंग पूरी हो गई KGF 1 की, तो उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि जब बाहुबली इतनी हिट हो चुकी है तो क्यों ना इसे भी हम लोग हिंदी में डब कर दें और अच्छे से पूरे नेशनल लेवल पर इसे रिलीज कर दें. क्योंकि ये इनकी सोच ऐसी थी कि सिर्फ कन्नड़ा लेवल तक ही इनका पहले रिलीज करने का इरादा था, लेकिन इनको खुद पर विश्वास था. प्रशांत नील जो बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं, तो उन्हें लगा कि अभी इस फिल्म को बहुत अच्छे से हम लोग लोगों के सामने ला सकते हैं हिंदी में डब करके, और भी कई सारी लैंग्वेजेस में डब करके. लेकिन उनका मुख्य जो आधार था वो था हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि नॉर्थ में अगर लोग देखेंगे तो हिंदी में ही देखेंगे. तो बाद में उन्होंने आवाज़ ढूंढना शुरू कर दिया. उसके बाद अब इन लोगों ने सोचा कि अब किसकी आवाज़ चली जाएगी इसके लिए. तो यश भाई ने खुद ही मेरी फिल्में यूट्यूब पर देखी थी, और यश भाई ने बोला था कि ये जो लड़का है इसकी आवाज़ ज़रा मैं एक बार सुनना चाहता हूँ इस कैरेक्टर के लिए. ओके. क्योंकि नॉर्मली मैंने जब डब किया था जो मैंने अभी फिल्मों के नाम लिए, तो उसके अंदर ठीक है, मतलब एक्सप्रेशन थे, परफॉर्मेंस था, सब कुछ था, लेकिन ये प्रॉपर जो KGF के लिए जो यश भाई जो रॉकी जो इसमें था, तो रॉकी कैरेक्टर के लिए इनको आवाज़ में डेप्थ चाहिए थी, आवाज़ में थोड़ा सा ठहराव और ये सारी चीज़ें चाहिए थी. रॉकी भाई को आवाज़, यश भाई को आवाज़ मेरी बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन वो बोले थे कि एक ऑडिशन के तौर पर हम इसे बुलाते हैं और करवाते हैं. और फिर बाद में मुझे बुलाया गया प्रोडक्शन की तरफ से, ऑडिशन हुआ, ऑडिशन होने के बाद फिर बुलाया ऑडिशन के लिए. आप बैंगलोर गए थे? नहीं, बैंगलोर नहीं गया था, फर्स्ट में सब कुछ इधर ही हुआ था. ओके. और सेकंड की जो डब थी वो पूरी बैंगलोर में हुई थी. ओके. तो ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के बाद मुझे बुलाया गया एक बार, उन्हें अच्छा लगा, फिर उन्होंने सोचा कि और दो सीन करवा लेते हैं, क्योंकि पहला सीन था वो थोड़ा फाइट सीन था, एक्शन सीन था, डायलॉग्स बहुत हाई थे. बाद में बोला कि ये स्लो में कैसे बोलता है देखते हैं, फिर इसका थोड़ा सा रोमांटिक टच देखते हैं वो कैसा जाता है. तो 2-3 बार तो मेरे ऑडिशन हुए, और यश भाई बोले कि भाई इसी से करवा लेते हैं. मेरे साथ साथ और 4-5 लोगों के ऑडिशन हुए थे, लेकिन यश भाई की नज़र में मेरी आवाज़ फिट हो गई थी, तो बोले कि नहीं, करवाना है तो इसी से करवाना है, बाकी हम लोग इसके ऊपर मेहनत कर लेंगे. और इस तरह से फिर KGF 1 की डब स्टार्ट हो गई. इसका बाप मेरा ससुरा, मैं तुम्हारा जीजा, तेरी बहन की अच्छे से ख्याल रखना. वो
मॉड्यूलेशन को आपने कैसे पकड़ा सर? बेसिकली उनका जो एटीट्यूड है, ऑफकोर्स यू आर अ डबिंग आर्टिस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कुछ रिसर्च किया होगा, पहले तो आपने इनकी फिल्म में डब की होगी, लेकिन उसके बावजूद KGF एक नया वर्स है, नई दुनिया है, उसके अंदर खुद डूब जाना और डूबते हुए उस कैरेक्टर को अख्तियार करना, वो कैसे आपने किया सर? शुरू के पहले दिन तो मैंने, मतलब डब स्टार्ट होने से पहले मुझे दो बार तो बिठा के फिल्म दिखाई गई सबसे पहले, तो उन्होंने कहा कि देखो सचिन, ये इस तरह का कैरेक्टर है, इस तरह से ठहराव से बोलता है और इतना डेप्थ में बोलता है, सारी चीज़ें थी। तो जब डब स्टार्ट हुई, डब स्टार्ट होते समय अब परफॉर्म तो किया मैंने, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे कि सचिन थोड़ा सा और डेप्थ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो बाद में फिर यश भाई बोले कि कोई बात नहीं, मैं बैंगलोर से खुद आता हूँ और दो दिन सचिन के साथ मैं बैठूंगा, क्योंकि यश भाई की भी बहुत बड़ी एक जम थी ये, क्योंकि उनको बॉलीवुड में कैसे भी करके छा जाना था। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद आता हूँ, मुझसे नहीं कहा, मतलब प्रोडक्शन से कहा कि मैं खुद जाऊँगा और सचिन के साथ बैठ के मैं डब करवाऊँगा उसकी। तो और फिर जब वो आए, वो आने के बाद पहले तो उन्होंने मतलब शूट तो कर ही ली थी, तो वो अपना कैरेक्टर बखूबी जानते थे, अब उनको वो डबिंग में उतारना था, तो कन्नड़ा डबिंग तो वो कर चुके थे, हिंदी में वो चाहते थे कि सचिन भी वैसा ही करे। तो फिर मेरे साथ बैठ के चर्चा मसलत करके उन्होंने कहा कि सचिन ये देखो ऐसा डेप्थ है, अगर एक भी वर्ड यहाँ से निकला तो फिर कैरेक्टर खत्म हो जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ से और यहाँ से डेप्थ से बोलोगे, भले थोड़ा सा इमोशंस एंड परफॉर्मेंस देने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन जब डायलॉग्स 2-4-5 सीन जब तुम ये कर लोगे, रिटेक कर लोगे, थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए सह लेना। तो मैं बोला अरे कोई बात नहीं, जब इतनी बड़ी मैं फिल्म कर रहा हूँ तो मैं भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और फिर एक दो सीन करने के बाद फिर मुझे भी आदत हो गई और इस तरह से वो कैरेक्टर हमने पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद फिर आगे के सीन हम लोग करते चले गए और फिर जो शुरुआती सीन जो डब हुए थे वो थोड़े नॉर्मल हल्के से हुए थे, तो फिर बोले कि अभी तेरे अंदर कैरेक्टर बैठ चुका है, तो वापस हम लोग पहले जो दो सीन है तो वो भी उसी मूड में हम डब करेंगे। और इस तरह से फिल्म अच्छे से निकल गई। यानी यश सर खुद आए, आपको समझाए पर्सनली, आपके साथ टाइम स्पेंड किया उन्होंने और ये इस हिसाब से डबिंग हुई। जी 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 बिल्कुल। यानी जो डायलॉग हम सुनते हैं कि कांग्रेचुलेशन, आई लव यू, या फिर माँ से बड़ी योद्धा को, सर दो लाइन हो जाए, KGF 1 का है ये डायलॉग। KGF 1 के कांग्रेचुलेशंस, आई लव यू, ये एक लाइन थी एक्चुअली, वो डायलॉग मैं भूल चुका हूँ, ठीक है, माँ का डायलॉग मुझे याद है। आठ जूते पॉलिश करने पर मुझे एक पाँव मिलता था, थाली से ज्यादा नीचे गिरा कर खाने वालों के बीच, मिट्टी पर गिरे पाँव के लिए जब तुम इतना तरस रही हो तो तुम्हारी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। ये अमेजिंग अमेजिंग। मैं आपको बता दूं पर्सनली, जब मैंने फिल्म में ये डायलॉग सुना था ना सर, बहुत ही ज्यादा मैं खुद इमोशनल हो गया था और मैंने ठान लिया था इस फिल्म को हम बहुत अच्छे से प्रमोट करेंगे, क्योंकि ये फिल्म डिजर्व करती है और इसका क्राफ्ट भी बहुत अच्छा था। बिल्कुल, क्राफ्ट बहुत अच्छा था इसका। अभी आप KGF Chapter 2 में जो आए, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ KGF Chapter 1 बहुत अच्छा हिट हो गया है, तो Chapter 2 में आपको कहीं डर था कि आवाज़ भी रिप्लेस किए जाते हैं आजकल? जी 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 बिल्कुल। तो क्या हुआ उसके बारे में, Chapter 2 के बारे में बताइए। अभी Chapter 1 और Chapter 2 के बीच में एक बार मैं यश भाई से मिला था, मैं बैंगलोर अपने काम से गया था और यश भाई को मैंने पूछा कि आपसे मुलाकात हो सकती है क्या, तो वो बोले ठीक है आ जा, मैं जहाँ पे रुका हूँ। तो जब उनके साथ पर्सनली मीटिंग की मैंने, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई Part 2 जो है वो डब मैं करना चाहता हूँ, तो मुझे मतलब अभी थोड़ा सा मैं अपनी हिंदी पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी में थोड़ा सा कन्नड़ा टच आ रहा है। तो साथ में उनकी वाइफ भी थी उनके साथ सपोर्ट में, तो उन्होंने राधिका मैम, तो राधिका मैम ने कहा था कि मैं सपोर्ट करूँगी हिंदी सिखाने के लिए इनको। लेकिन जाहिर सी बात है यश भाई बहुत ही बिजी हैं और Chapter 2 के प्रमोशन और Chapter 2 के शूट में इतने ज़्यादा बिजी थे कि उनको वर्क करने का वो समय नहीं मिला। तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं करना चाहता हूँ, हम मिल बांट के काम करेंगे। मैं बोला भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो मैं आके आपको डायलॉग्स वगैरह सारे बता दूंगा, कैसे क्या होते हैं, किस तरह से फ्लो में बोलने हैं, क्योंकि आपने जब मेरी इतनी मेहनत की है मेरे लिए, तो मैं भी जाहिर सी बात है आपके लिए मेहनत करूंगा मैं आके। तो उसको बहुत अच्छा लगा उनको, वो बोले कि ठीक है अपन बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन फिर बाद में मैं निकल गया, तो मुझे मतलब मैं मन में से सोच के चल रहा था कि देखेंगे क्या होता है, सब कुछ अपना नसीब के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन फिर Part 2 की जब शूटिंग पूरी हुई और जब डबिंग का सिलसिला चालू हुआ, तो प्रोडक्शन से डायरेक्ट मुझे फ़ोन आ गया कि सचिन भाई आप ही कर रहे हो और लोगों को भी सुनने की आदत हो चुकी है, आपकी आवाज़ Chapter 1 में अगर सुनी है तो Chapter 2 में गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो
बहुत सारे खुद ही एक्टर हैं वो खुद ही अपनी डबिंग कर देते हैं और फिर फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, तो वैसा वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई चैप्टर टू की भी डबिंग आप ही करोगे और इसके आगे जितनी भी इसके पार्ट्स बनेंगे उन सारी डबिंग वो सारी डबिंग आप ही करोगे, ऐसा तो पार्ट टू भी वैसे ही मुझे मिल गया। यू हैव इम्प्रेस्ड एवरीवन, टोटली आई एम टेलिंग यू। और ये क्योंकि ये मुंबई का लड़का है और रॉकी भाई है, महाराष्ट्रियन टच भी आपका देने में आपका इनपुट होगा मेरे ख्याल से। जी जी जी, क्योंकि मैं खुद ही महाराष्ट्रियन हूँ तो वो तो इनपुट तो बनता ही है मेरा देना। अमेजिंग अमेजिंग। तो अब बेसिकली क्या कहेंगे, जिस हिसाब से फैंस है अभी यश सर के, जो फैंस है उनको अंतम्मा हम प्यार से बोलते हैं। अच्छा अच्छा, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने जिस हिसाब से प्रमोशन किया है, जिस हिसाब से फिल्म को प्यार दिया है, पूरी दुनिया अब रॉकी भाई की टेरिटरी बनती जा रही है। जी क्या कहेंगे? देखिए रॉकी भाई के बारे में अगर पर्सनली बोला जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि रॉकी भाई बहुत ही हम्बल इंसान है यश भाई, और बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही काइंड इंसान है, और मेन मतलब बहुत ही सपोर्टिव है। उनके जैसा इंसान तो मैंने अब तक देखा नहीं है अगर वाकई बोला जाए तो, क्योंकि इतनी ऊपर की लेवल हासिल करने के बाद इतना डाउन टू अर्थ रहना वो मैंने बहुत ही कम लोगों में देखा है। और उनके साथ साथ मैं प्रशांत नील जी की भी तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि इतने बड़े डायरेक्टर होने के बाद भी उन्होंने इतने अच्छे से मुझे सपोर्टिवली मेरे लिए इतना किया, मेरे लिए वक्त निकाला और मेरी जो कमियाँ थी उन्हें बहुत ही प्यार से उन्होंने इतना दूर किया। और साथ साथ में यश भाई तो थे ही, एक्चुअली देखा जाए तो यश भाई थे इसीलिए मुझे सब कुछ ये चीज़ें हो रही थी कि मेरे साथ सब लोग अच्छे से पेश भी आ रहे थे और थोड़ा सा मतलब मुझे प्यार से ये मिल रहा था। नहीं, ट्रीटमेंट मिल रही थी। करते हैं बेसिकली, ट्रीटमेंट की बात नहीं, वो लोग ऐसे ही है सर बेसिकली। मैं भी जब बेंगलुरु गया था एक्सप्रेस माई फीलिंग्स कि किस हिसाब से वेलकम हुआ था। जी जी जी। सो बेसिकली वो लोग ऐसे हैं और आप डिजर्व करते, यू आर वन ऑफ द बेस्ट डबिंग आर्टिस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू। आप क्या कहेंगे, वायलेंस डायलॉग हम सभी सुनना चाहते हैं। वायलेंस आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। Amazing. और दूसरी बात तो ये है, ये डायलॉग इतना पॉपुलर हो गया है, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी जॉनरा पर, कुछ भी हो जाता है उस पर ये ना डायलॉग हमेशा वर्क करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स लाइक्स इंडियन सिनेमा, आई कांट अवॉइड। या फिर अलग अलग चीजें हैं। हाँ, वैसे एक बीच में आ गया था मैरिज, आई डोंट लाइक इट, बट माय फैमिली लाइक्स मैरिज, सो आई कांट अवॉइड, ये सब आ गया था जोक्स। अमेजिंग। मतलब फिल्म जो है समाज का आईना होती ही है, लेकिन फिल्म जो है ट्रेंड्स भी क्रिएट करने का काम करती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने अपना बिजी शेड्यूल देकर मुझे इंटरव्यू दिया। बेसिकली दोस्तों लंच टाइम चल रहा है और लंच टाइम में सर लंच नहीं कर रहे लेकिन मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, इट्स अ ग्रेट थिंग। थैंक यू सो मच। तो गाइस ये थे हमारे साथ सचिन गोले सर, जिन्होंने रॉकी भाई को अपनी आवाज़ दी है। आपको इनका इंटरव्यू, इनकी बातें और इनका डबिंग कितना पसंद आया जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर साइनिंग ऑफ विद द ग्रेट डबिंग आर्टिस्ट सचिन गोले। थैंक यू रवि भाई, थैंक यू सो मच। वायलेंस आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड।